आपका अत्यंत आभारी हूं कि इस रियल इस्टेट समिट को सफल बनाने में आप सबका योगदान निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। जिन हमारे साथियों ने कड़ी मेहनत करके इसको सफल बनाया है, खासतौर से हमारे भारत सरकार के सचिव हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट दुर्गा शंकर जी, धीरज गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर मेहता और नरेंको के हमारे दोनों साथी, दोनों मेयर या बाकी सभी लोग जो इसमें सहयोग किए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने सुना कि दूसरी रियल इस्टेट समिट हम लोग 21-22 मई को श्रीनगर में करेंगे। ये आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक युगांतकारी परिवर्तन देखा है, गवर्नेंस की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, और जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की वो निश्चित रूप से प्रो पीपुल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। और अभी इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने चर्चा की, मुझे लगता है कि फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंसेंटिव हमने दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो हमसे 100% कम इंसेंटिव देता है। रियल इस्टेट को लेकर के भी जो रिफॉर्म करने हैं, हमारी प्रतिबद्धता है उसे पूरी तरह से करेंगे, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी में कटौती करनी हो, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना हो, और जो इस कन्वेंशन के पहले हमको तैयारी करनी थी वो टेनेंसी एक्ट हमने लागू कर दिया, रेरा की जो औपचारिकताएं थी वो हमने पूरी कर ली हैं, और आपने देखा कि 39 MOU आज साइन हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग ये 18,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है, और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी, वहीं ही रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी लोगों को मिलेंगे। नरेंको के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को की स्किलिंग का, या मैं कहूं कि स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, जो आने वाले समय में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़ने वाली। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लाइज के लिए तथा पुलिस पर्सनल के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनाने, 1 MOU साइन हुआ है और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले हैं। नरेंको को बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर चैप्टर भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से नरेंको पूरे देश में काम कर रहा है उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में भी नरेंको काम करेगा। एक बात मैंने कही थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की कि जो भी प्रदेश है उनकी राजधानियों में एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, ताकि वहां की आवाम को, सामान्य नागरिक को, भारत सरकार के सभी कार्यालय एक जगह मिल जाए। तो ये फैसले भी हमने कर लिए हैं, जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी ने, और आने वाले दिनों में CPWD उस काम को प्रारंभ करेगी। तो मोटे तौर पर जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दी हैं। भाषण काफी लंबा